भैसोदा मंडी का एकमात्र ऐसा मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए पूरे ही क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है, यह है नीलकंठ महादेव मंदिर। भगवान भोलेनाथ के 12 ही रूप इस मंदिर में विद्यमान है। आइए एक बार दर्शन कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के 12 अद्भुत रूपों का। सन 2005 में इस मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे इस मंदिर में धर्म और विकास की गति बढ़ती चली गई। इसी साल यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस सावन में महिलाएं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने आती है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ ही दुग्धाभिषेक भी करवाया जाता है। फिर बेलपत्र, फूल व चंदन से सजाया जाता है। इस पूरे महामंदिर में मंदिर समिति ने भगवान को अलग अलग रूपों से श्रृंगारित किया। आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की रेंज में भगवान भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महाकाल के 12 ही रूपों के दर्शन हो जाते हैं। इन 12 ही ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना भी प्रतिदिन विधि विधान के साथ की जाती है। यही यहां की सबसे बड़ी विशेषता भी बताई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवशंकर के अति प्रागढ़ व मनमोहक रूप के दर्शन करुणामयी मन से करने मात्र से ही सभी दुख दर्द व परेशानियां शिवशंकर विष की तरह हर लेते हैं। तो ये था भैसोदा मंडी का नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि अपने 12 अद्भुत रूपों के लिए पूरे ही क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता जा रहा है। और जाते जाते आपको बता देते हैं कि मंदिर में भोलेनाथ के साथ ही राम परिवार, गणेश जी और राधा कृष्ण भी विराजित है। वैसे तो आपने काफी सारे शिवालय मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम स्थित हैं भैसोदा मंडी के उस शिवालय मंदिर में जिसको द्वादश नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। चूंकि यहाँ पर 12 ही ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसलिए इस मंदिर की विशेषता भी बहुत ही अलग है। 100 किलोमीटर के एरिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 भगवान शंकर के रूप हैं, और नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान का वो रूप विद्यमान है जिसके दर्शन मात्र से ही हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भैसोदा मंडी निवासी ही कमल जी हटवाल, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है और क्या यहाँ की धारणा है। कमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इसके मीडिया में, और लगातार जो हम मंदिरों के बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस पूरे सावन के अंदर हमने वन बाय वन अलग अलग मंदिरों के बारे में इतिहास बताया है। क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी होने के साथ साथ जागरूक जो है मतदाता और जागरूक जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो है एक समाजसेवी भी हैं, क्या जानते हैं इस बारे में? आपको पहले जय श्री राम और सभी को जय श्री राम। और आज मैं यहाँ पे जो आज हमारे कपिल भाई के द्वारा आज सोमवार के दिन और महाकाल का ही वार है, आज इस मंदिर में हम पधारे सब लोग, और सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे लगभग 2003-04 से ही यहाँ के जो निवासी हैं, भक्त जन हैं, वो लगे हुए हैं। और लगभग 2011 या 12 में हम यहाँ एक मीटिंग रखी थी, जब जाके पहले यहाँ पर केवल ये महादेव जी की एक ही शिवलिंग थी, लेकिन जब मीटिंग रखी तो उसमें ये रखा गया, जिसमें जेके अरोड़ा जी, भैरव सिंह जी, काका साहब सब ने मिल के तय करा कि 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ स्थापना होनी चाहिए। उसमें अध्यक्ष हमारे नारायण सिंह जी हैं जो आर्मी से रिटायरमेंट है, सब लोगों ने तय करा, और तय करते करते उस दिन 12 ही ज्योतिर्लिंग की सबने समर्पण भाव से भेंट करना चाहा। उसमें अरोड़ा साहब ने भी करा, जेके अरोड़ा जी ने, भानु भाई साहब ने, भानु जी प्रताप, वो भी आर्मी से रिटायरमेंट। इसी कड़ी चलती गई, राम बिलास जी भाऊ जी जो बांडेवाग को स्थापित करने में और उसका डेवलपमेंट करने में काफ़ी जागरूक हैं, और हर मंदिर में राम बिलास जी भाई साहब। तो ऐसे ही लगभग एक ज्योतिर्लिंग भुवनेश्वर जो है 12वीं ज्योतिर्लिंग है, वो हमारे पिताजी की स्मृति में भी हमको करने का सौभाग्य मिला है मेरे परिवार और मित्रगण सबके संयोग से। और लगभग झालावाड़ ज़िले में और मंदसौर ज़िले में 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर नहीं है, ये एक सौभाग्य की बात है कि भैसोदा मंडी में यहाँ पे एक 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना और सब श्रद्धालुओं को दर्शन करने का लाभ मिलता है।
यहाँ पे। और मैं आशा करता हूँ कि आज कपिल भाई के द्वारा जो हमारे भाई हैं एक और अच्छा कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो ये आज रखा गया आयोजन, इससे मैं चाहता हूँ सब भक्तजन जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर में दर्शन करने का लाभ लें। आपने मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस मंदिर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होनी चाहिए? लगभग मेरा भी इसमें रूपरेखा रही, ईश्वर ने बुद्धि दी, क्योंकि मैं ओंकारेश्वर जी, महाकाल और लगभग काफ़ी दर्शन करने में सांवरा जी या इधर जाता हूँ, तो ऐसा सबका मन का भाव था। और यहाँ पे जो समिति थी, समिति के अध्यक्ष, उनका सबका विचार था कि करीबन यहाँ पे 2 जिलों में, मतलब 100-200 किलोमीटर एरिया में नहीं था 12 ज्योतिर्लिंग, तो सबकी मनो भावना थी ये, और वो भावना पूर्ण हुई। और लगभग ये अभी 6 महीने पहले इसका यज्ञ हुआ, विधि विधान से 12 ही ज्योतिर्लिंग का पूजा पाठ होकर ये स्थापित हुई है, और काफ़ी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ लाभ उठा रहे हैं। चमत्कार को लेकर बात करें तो मंदिरों में काफ़ी सारे चमत्कार माने जाते हैं, आप भी शायद इस मंदिर में आते होंगे, आपको कुछ लगा इस मंदिर में? बिल्कुल, एक तो समय पहले यहाँ मंदिर में आते ही एक मन को जो शांति रहती है वो मन को शांति मिलती है, और काफ़ी लोगों से सुना है अपने श्रद्धालुओं से कि मनोकामना भी काफ़ी लोगों की पूर्ण होती है, और उसको देखते हुए ही मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ आवे और यहाँ का चमत्कार देखें। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ जो हैं मंदिर के पंडित जी भी हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम है श्यामलाल शर्मा। कितने टाइम से पंडितगिरी कर रहे हैं इस मंदिर में? इस मंदिर में मेरे को 5 वर्ष से पूर्ण हो चुके हैं। और इस मंदिर को भी 5 वर्ष? इस मंदिर को तो ज़्यादा हो गए, 2004 से ये मंदिर बन गया था, निर्माण चल रहा था, उससे पहले दूसरे पुजारी थे, और 18 में मैं लगाया। मंदिर के इतिहास को लेकर क्या? यहाँ पर सभी में आया, जब यहाँ पर बहुत व्यवस्था ऐसी थी तो हमारे सब साथियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया, सभी कार्य करवाया, और इस मूर्ति में सबसे चमत्कार नज़र आया। क्या चमत्कार नज़र आया? इस मूर्ति में एक चमत्कार जो करुणा में करके यहाँ पर जो एक बार आके रो देता है उसका हर कार्य सफल करता है मेरा नीलकंठ महादेव, इस बात का मुझे यकीन और विश्वास है। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, भगवान शिव शंकर के 12 ही रूप कौन कौन से हैं? 12 रूप यहाँ पे अपने काशी विश्वनाथ का, त्रिमेश्वर का है, वैद्यनाथ है, नागेश्वर है, भीमा शंकर है, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सभी रूप 12 रूप विद्यमान, जैसा जिन मंदिरों में जैसी मूर्ति है वैसी यहाँ स्थापित मिलेगी आपको। भगवान शंकर के 12 ही रूप है, वो एक ही जगह यहाँ पर दर्शन, एक ही जगह आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है। चारों धाम बेसुदा मंडी में बन चुके हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसुदा मंडी मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर में पधारो, आप सबका जलाभिषेक होता है, सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, आज किस तरह से विशेष भगवान का श्रृंगार किया? आज हमने यहाँ पर भगवान का नीलकंठ महादेव ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया है, और आज बादाम काजू श्रृंगार किया था, और कल प्रतिवर्ष अनुसार हम कल भंडारे का आयोजन भी करते हैं, आखिरी सोमवार को भंडारा रखते हैं, ये 2 वर्ष से हमने चालू कर दिया है, अगले सावन में भी करा था और इस सावन में भी भंडारा हमारे समिति द्वारा किया जाता है। मतलब कल यहाँ पर भंडारा रखा? कल भंडारा रखेंगे, सभी भक्तजन आसपास के गाँव वाले भी आकर भंडारा में प्रसादी का लाभ उठाएंगे। भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तजनों को ये संदेश देते हैं हम तो कि आपका जो भी कार्य है हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर पधारो और आपकी कार्य सिद्धि प्राप्त करो, यहाँ तुरंत चमत्कार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो एक चमत्कार जो देखा है ज्योतिर्लिंग का, ज्योतिर्लिंग जब यहाँ आए और हम जब गए तो हम समिति के लोग, नारायण सिंह जी, रामविलास जी भाई साहब, हम सब वाहन से गए थे और ओंकारेश्वर जी से लेकर आए, और जब राम मूर्ति जो यहाँ पे लगाई गई है और राधा कृष्ण जी की भी और राम परिवार भी लगाया गया, तो यहाँ पर ब्रजमोहन जी धारीवाल जब यहाँ पारक हुआ करते थे तो ब्रजमोहन जी धारीवाल ने खुद की जेब से इसको पहले तार बाउंड्री करी गई थी। ब्रजमोहन जी धारीवाल एक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और भक्त भी है। अभी जब यहाँ पर आयोजन करा गया, इनके अभिषेक करके जो मूर्ति लगाई गई थी यहाँ पे स्थापित की गई थी, उस पीरियड में उनने भी 5 दिन आहूति में बैठे
और अच्छा समय दिया। और इसका जो चमत्कार है इस मंदिर का, मैंने जीते जागते देखा है कि हम जब राम मूर्ति किशनगढ़ लेने गए थे राधा कृष्ण जी की, जब मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था तो लगभग 7 पलटी 6 लाइन पे गाड़ी खा गई थी, उसमें मैं अकेला था क्योंकि मैं रुक गया था कोई कारण से, तो वो चमत्कार आज यहाँ आपके सामने बैठा है कि मैं जीता जागता बचा हूँ। ये यहाँ की ही देन है और एक बालाजी महाराज की कृपा है। मतलब जो है शिव भगवान जो है वो कहीं ना कहीं संकट मोचन के रूप में भी आपके साथ रहे। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे साथ जो है मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां जो साझा की, कमल हटवाल जो है जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, और लगातार इसी के साथ हम आपके बीच जो है धार्मिक स्टोरियों को लेकर के बने रहेंगे, काफ़ी मंदिरों के इतिहास के बारे में बताएंगे और हर तरह की धर्म आस्था से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के बने रहिए एसके मीडिया के साथ। कैमरामैन अर्जुन मेहता, एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान।